इफ़ यू ऑन दिस इज़ मी सातिया हेयर, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिकाडेक रीडिंग जिसमें हम जानेंगे आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनी थिंग, लव लाइफ, वर्क लाइफ, स्टडी, जॉब, एवर इट इज़, जिसके बारे में आप हाँ या ना में आंसर जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में मेरे पास दो डेक हैं, डेक वन, डेक टू। आपको जो डेक चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हो, और आई होप आपको उससे उस डेक से आपको अपने क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में मिल जाएगा। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। से जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, उसमें सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ मैंशन है अलॉन्ग विद द प्राइस। सो अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मेरे सिस्टर की टैरो चैनल का भी लिंक चेकआउट कर सकते हो, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है जिसका आप आंसर हाँ या ना में चाहते हो, येस और नो में चाहते हो, तो आई होप कि आपको उसका आंसर इस रीडिंग के थ्रू मिल सके। स्टार्ट करते हैं डेक नंबर वन से, देखते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग वट एवर इट इज़, आपका आंसर क्या है, येस और नो। लेट्स फाइंड आउट। जब मैं शफल कर रही हूँ तो आपको सजेस्ट करूँगी कि थिंक ऑफ योर क्वेश्चन और हैव योर क्वेश्चन इन योर माइंड, अपने क्वेश्चन को जहन में रखते हुए जब मैं शफल कर रही हूँ तो कार्ड्स की तरफ आप अपना ध्यान रखो, और ताकि हम आपके जो भी सवाल है आपका जिसमें आप हाँ या ना में आंसर जानना चाह रहे हो, उसके बारे में हमें आपका जवाब मिल सके। इरफॉन्स, सॉरी, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, अनी द रेक, पेज ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, आप जो भी चीज़ है जिसके बारे में भी आपने क्वेश्चन किया, इसमें आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन आप जैसा चाह रहे हो वैसा हो जाएगा, पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो येस इज़ द आंसर, अगर नेगेटिव है तो नो इज़ द आंसर। जैसे सपोज अगर आप सोच रहे हो कि वो मेरे साथ रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं, तो आंसर इज़ अ नो। अगर आप पूछ रहे हो कि क्या वो आपके पास वापस आएंगे, द आंसर इज़ अ येस। थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर वर्कआउट या तो आपकी तरफ से करने की ज़रूरत है, या आपका पर्सन या जो सिचुएशन है उसको इवॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इवेंचुअली यू आर गेटिंग वट यू वॉन्ट, सो द आंसर इज़ अ येस। लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि एफर्ट डालने की ज़रूरत है, जिसका भी आपका अगर सपोज आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हो एंड आप चाह रहे हो कि आपको किसी कोर्स में एडमिशन मिल जाए, तो इन दैट सिचुएशन टू आपको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। आपके एंड से कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपने लव लाइफ के बारे में पूछा, तो आपके और आपके पर्सन दोनों की तरफ से कुछ चीज़ें हैं जो डिलेड हैं, उन डिलेज़ के ऊपर जो आपका जो डिलेज़ हैं बेसिकली, उसमें दोनों की तरफ से कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत है। या तो मेंटल ब्लॉक्स हैं जिनको रिमूव करना है, या तो फिजिकल ब्लॉक्स हैं जिनको रिमूव करना है, लेकिन चीज़ें इवेंचुअली मुझे मूव होते दिख रही हैं आपकी सिचुएशन के और आपकी आपके फेवर में बेसिकली। थोड़ा मुझे लगता है कि पैशन और ऐड करने की ज़रूरत है, थोड़ा देखभाल कर डिसीजन लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको सही से अवेयरनेस नहीं हो कुछ चीज़ों के बारे में, या अगर हम आपके मेंटल ब्लॉक्स से फिजिकल ब्लॉक्स के बारे में बात करें, तो मे बी आपको वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपको क्या चीज़ रोक रही है इस सिचुएशन में। लेकिन आप जैसे चाहते हो वैसा हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये जो डिलेज हैं इनको काबू कर सको, इनको इनके ऊपर वर्क करके इनको थोड़ा स्पीड अप कर सको, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन है, अगर आप स्टडी के बारे में बात करें, अगर हम जॉब के बारे में बात करें, अगर आप जॉब हासिल करना चाह रहे हो कोई, और उसमें अगर डिलेज हैं, या उसमें अगर आप जानना चाह रहे हो कि आपको मिलेगी या नहीं, मिल जाएगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपके एंड से एफर्ट सही नहीं हो रहा, या तो आप सही जगह अप्लाई नहीं कर रहे, या आपके रेज्यूमे में कुछ कमी है उसके ऊपर आप वर्क करो, कुछ इस तरह की चीज़ें जिसके ऊपर अगर आप वर्क करोगे तो आंसर आपको डेफिनेटली पॉजिटिव मिलेगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, जिन लोगों ने डेक वन चूज़ किया, अगर आपके साथ रेजोनेट की हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। देखते हैं जिन लोगों ने डेक टू चूज़ किया, देखते हैं आपका आंसर क्या है, येस और नो, हाँ या ना में आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो भी आपके दिलो दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है। रीडिंग शुरू करने से पहले सजेस्ट करूंगी कि आप अपने क्वेश्चन के ऊपर फोकस रखो कार्ड्स को देखते हुए, ताकि हम आपकी एनर्जीज को टैप इन कर सकें।
और आपका आंसर आपको सही तरीके से इस रीडिंग के थ्रू मिल सके। और लेट्स सी, आपका आंसर यस है या नो, लेट्स फाइंड आउट। जो भी सवाल है आपके जहन में, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड है, किसी और चीज़ से रिलेटेड है, घर की सिचुएशन से रिलेटेड है, हालात के हवाले से है, जो भी क्वेश्चन है, आई होप हम आपका आंसर इन कार्ड्स के थ्रू जान सकें। लेट्स बिगिन, लास्ट वन शफल, लेट्स बिगिन। आपका आंसर यस है या नो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड्स, एट ऑफ वांड्स। जिन लोगों ने डेक टू चूज़ किया, मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपका आंसर, स्पेशली अगर आपका क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव है तो आंसर इज़ अ येस। अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव है कि क्या ब्रेकअप हो जाएगा, नहीं होगा, मतलब उस तरह की सिचुएशन में जो, अगर आपका कोई नेगेटिव क्वेश्चन है तो आंसर इज़ अ नो, अगर कोई पॉजिटिव क्वेश्चन है आंसर इज़ अ येस। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होना शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी, और आपको फ़ील हो रहा होगा कि आप काफ़ी बैलेंस्ड रह रहे हो, आप काफ़ी अगर आप किसी पैशन को भी फॉलो करना चाह रहे हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड है, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, आपको पता है कि आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, अपने बैलेंस को, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करते हुए आप आगे प्रोग्रेस कर रहे हो। सो डेफिनेटली आपका, आप जो भी करना चाहते हो, जो भी, जिसका भी आप आंसर चाह रहे हो, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर डेफिनेटली इज़ अ येस। आपके अंदर एक इंडिविजुअल ग्रोथ, इवॉल्व आप हो रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ की चीज़ें आसान हो रही हैं। ये सारा कुछ, अगर आपको लग रहा है कि अभी फ़िलहाल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो चैरिटी करो, चैरिटी करो, सदका दो, खैरात करो, डोनेशन करो, जो भी आप वर्ड इसको यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। बट येस, अगर वो आप करोगे तो आपके लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, आपके लिए आसानियाँ, आप जो भी चाह रहे हो, जिसके लिए भी कोशिश कर रहे हो, वो आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी, और आपको जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी मुराद है, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, वो पूरी होगी। स्पेशली अगर हम बात करें कि कम्युनिकेशन और लव लाइफ को लेकर, अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो वो डेफिनेटली बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि उसके लिए भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपना जब तक ये सब हो नहीं जाता, दो चीज़ें, अपने आप को बैलेंस रखो, दूसरा मतलब एक ज़्यादा फोकस नहीं दो लव लाइफ को, या एक इंसान को, या रिलेशनशिप को। जितना आप बैलेंस मेंटेन रखोगे, उतनी आसानियाँ आपकी लाइफ में आती रहेंगी, एक स्पेसिफिक पर्सन को लेके, रिलेशनशिप को लेके। उसके अलावा उस नीयत से कि आप ये डोनेशन जो है वो आप अपनी लव लाइफ की मतलब पॉजिटिविटी के लिए आप कर रहे हो, तो आप वो डोनेशन करते हुए एक नीयत रखो, एक माइंड में एक इंटेंशन रखो। उसके बाद जब आप वो अपनी लाइफ में, अपने लव लाइफ को लेके, या किसी भी एरिया को लेके जिसके लिए भी आप ये कर रहे हो, उसका कोई भी डिसीजन लोगे, कोई भी स्टेप लोगे, तो आपको हेल्प मिलेगी, थ्रू आउट हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी डिवाइन की तरफ से, लोगों की तरफ से, लोग आपकी तरफ हेल्पफुल हो जाएंगे, जो कि आपको वही बात आती है कि जब आप डोनेट करते हो, जब आप अपने आपके रब के दिए हुए में से कुछ आप डोनेट करते हो, किसी और को देते हो, शेयर करते हो, तो आपके लिए आसानियाँ आना शुरू हो जाती हैं। स्पेशली अगर आप फाइनेंशली तंग हो, तो जितना कुछ भी आपके पास है उसमें से थोड़ा बहुत शेयर करना शुरू करो, ख़ुद से देखोगे कि आपके लाइफ में पैसे की अबंडेंस जो है वो आना शुरू हो जाएगी। एक और चीज़ मेंशन करूँगी, अब मैं रिचुअल्स ऑफर कर रही हूँ मनी से रिलेटेड। अगर आपको मनी सिचुएशन से कोई मसले मसाइल चल रहे हैं आपके, तो आप वो मतलब मुझसे परचेज़ कर सकते हो रिचुअल्स, और उनसे वो आजमूदा रिचुअल्स हैं जिनको आजमाया हुआ है, जिनके रिजल्ट्स मिले हुए हैं, और ऐसा इम्पॉसिबल है कि अगर आप वो फॉलो करोगे तो आपके अबंडेंस जो फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं वो ख़त्म ना हो। चाहे वो जॉब है, जॉब मिल जाएगी, अगर आप वैसे फाइनेंशियली लैक फील कर रहे हो तब भी उससे अबंडेंस आना शुरू हो जाती है। लेकिन हाँ, उसके अलावा आप डेफिनेटली सदका खैरात करके उस चीज़ को आप वो कवर अप कर सकते हो, और चीज़ें आपके हक़ में बेहतर होती दिख रही हैं। अंडर द डेक वी डू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे टू फॉर्म्स, फाइव सोर्ड्स। आपकी जो इट सीम्स लाइक कि आपके आपकी जो भी ये सवाल है उसमें काफ़ी हद तक आपका अपना आपको जो चीज़ रोक रही थी वो काफ़ी हद तक आपके अपने एंड से है। एक तो चैरिटी करने से वो चीज़ क्लियर होगी, दूसरा है कि अपने अपने अंदर उस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेस ना हो, जितना आप चीज़ को लाइटली लेके चलोगे उतना आपके लिए आसानी रहेगी इस चीज़ को हासिल करने में, इस चीज़ का आंसर यस करने में, अगर आपका पॉजिटिव क्वेश्चन है।
अगर नेगेटिव क्वेश्चन है जैसे कि आपका ब्रेकअप हो जाएगा इस तरह की चीज़ें, तो अपने आप को बैलेंस में लेकर आओ, ब्रेकअप नहीं होगा। लेकिन अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते, ऑब्सेस्ड रहोगे, नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव थिंकिंग आएगी, तो आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना है और इवेंचुअली ब्रेकअप नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने फियर्स, अपने इस तरह की जो नेगेटिव थिंकिंग आती है बंदे के जहन में, उसको आपको विन करना है, उसको आपको फाइट करना है और हर वो चीज़ के ऊपर काम करना है जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपकी सिचुएशन, आपकी लव लाइफ में बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सो ये थी रीडिंग, अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।